जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा एग्जाम जून 2023 रुक जाना नहीं परीक्षा, जो कि कक्षा 10 इंग्लिश का होने वाला है पेपर, उसका पेपर हमारे पास आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो आपको इस पेपर का सबसे सोल्यूशन भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा। ये देखो, आपको सोल्यूशन भी है वीडियो के अंत में है, जो कि आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यहाँ पर मैं फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो को बताने वाला हूँ और 100% असली पेपर है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 10 इंग्लिश का पेपर है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के पूरा अच्छे से बताऊँगा। यदि आपसे 1% इंग्लिश नहीं आती होगी, तो फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पे 70 अंक तो जरूर ला लोगे, मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ। आपको 75 अंक का पेपर होने वाला है, 3 घंटा समय होने वाला है, 16 क्वेश्चन रहेंगे, 8 पेज होने वाला है और पेपर कोड अपना 411 है, मिला लेना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको 4 सेक्शन में आपका पेपर आएगा। सेक्शन ए आपको रहेगा रीडिंग, सेक्शन बी में आपको रहेगा आपको वहाँ पे जो कि राइटिंग सेक्शन होता है, और सेक्शन सी में आपको ग्रामर सेक्शन, सेक्शन डी में आपको टेस्ट बुक से जो बुक से आता है क्वेश्चन आंसर वो रहेगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं आता होगा, तब पर भी इस वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे अंक एग्जाम में लाओगे। यहाँ पे देख सकते हो रीड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, बोलो तो इसका मतलब होता है रीड, मतलब होता है पढ़ना, फॉलोइंग फॉलोइंग मतलब इसको देख करके पढ़ो, और पैसेज मतलब यही होता है, करेक्टफुली मतलब सही सही पढ़ो, एंड आंसर आंसर आपको छांटना है, क्वेश्चन नीचे दिया गया है गिवन बोलो तो इसको आपको, इसका आंसर ये हुआ तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पूरा पढ़ने लेने के बाद नीचे जाना है। नीचे आपको जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा जो कि वहाँ पर पूछा गया था, तो इसका उत्तर मैं छाँट दूंगा अभी यहीं पर। तो आपको देख सकते हो यहाँ पर मैं सोल्यूशन तो लिख भी लाया हूँ और छाँट भी दूंगा। पहले का राइट आंसर आपको देख सकते हो, पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दो है, दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगला प्रश्न आपके सामने रहा, तीन नंबर, तीन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहा, और यहाँ पे देख सकते हो चार नंबर, चार का भी ऑप्शन नंबर सी रहा। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो पाँच नंबर, पाँच का ऑप्शन नंबर डी रहा। इसके बाद आपको आ गया प्रश्न क्रमांक दो, प्रश्न क्रमांक दो में आपको देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बोलो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इसको पढ़ना है सेम उसी तरीके से, आपको इसमें भी छाँटना है, तो इसमें मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको, और पैसेज यहाँ पे है पूरा आपको रीड कर लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर तो मैं यहीं पर छाँट देता हूँ। तो पहले का राइट आंसर मैं डायरेक्ट छाँट देता हूँ, पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दो नंबर है, दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तीन नंबर, तीन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो चार नंबर, चार आपके सामने है, एक एक अंक मिलने वाला है, तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको नंबर कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाना। इसके बाद यहाँ पर पाँच नंबर देख सकते हो, पाँच में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये हो गया, इसको मैंने फोटो खिंचाऊँ, पेपर बाकी हमारे पास आ गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपको सेक्शन बी, जो कि मैंने बोला था, तो सेक्शन बी में आपको यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टली मेक नोट एंड, यहाँ पे मतलब ये बोला जा रहा है कि नोट, तो आप यहाँ पर नोट बनाना है, चार अंक का मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाना है। तो नोट्स कैसे बनाना है देख सकते हो कि आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है। तो पहला पॉइंट डाल के यहाँ पे द द लिखा है, यहाँ से यहाँ बाहर तक लिख देना है एक पॉइंट, बस एक पॉइंट डालने के बाद आपको नोट बनाकर आप पॉइंट बाय पॉइंट पहले लाइन इसको लिख करके बाकी आप कहीं पर से लिख सकते हो, आगे की आप कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं बता देता हूँ, पहले में जैसे यहाँ से डाल रहे हो द यहाँ से, तो आपको दो में आपको दो लाइन में यहाँ से यहाँ तक डाल देना है, और तीन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि स्टार कहाँ आपको कहाँ से लगा है, तो आपको यहाँ से आपको यहाँ तक डाल देना है, फिर अगले लाइन यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से स्टार लाइन में आपको लिख लेना है, मस्त बता दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर पूछा गया है एक, आपको निबंध पूछा गया है यहाँ पर, सॉरी चार नंबर आपको लिख लेना है, एप्लीकेशन तो आप चार नंबर पर लिख लोगे। इसके बाद चार नंबर के बाद पाँच नंबर आपको हंडर ऑफ साइंस पर निबंध लिख लेना, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर बता दूंगा। इसके बाद हंडर ऑफ साइंस पर लिखने के बाद आप यहाँ पर अगला यहाँ पर छः नंबर लिख लेना, इसका आपको तीन तीन नंबर का आएगा, ए चित्र देखकर लिखना है कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, इस तरीके से आप इसको लिख लेना, मैं आपको बता दिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सात फिलिंग द ब्लैंक्स,
यहाँ पर यानी फाइव यहाँ पर लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स यानी फाइव, तो आपको पाँच लिखना है। तो आपको किस तरीके से लिखना है मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा बहुत अच्छे से, तो आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सात नंबर प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हो पहले नंबर है, पहले का आपका राइट आंसर डब्ल्यू एच वो राइट आंसर बीच वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दो नंबर देख सकते हो, दो में आपको ए एन हो जाएगा, ए एन बीच वाला। इसके बाद तीन नंबर देख सकते हो टी एच ए एन मतलब लास्ट वाला। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा नंबर, चौथा नंबर का आपका राइट आंसर डब्ल्यू एन डबल टी, मतलब आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि राइट वाला लास्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पाँच नंबर देखना है, पाँच में आपको एस आई एन सी यहाँ पर लास्ट पहले वाला हो जाएगा। इस तरीके से पाँच ही लिखना है, यहाँ पे छः है छः का यस ओ एम ई, मैं यहाँ पे आप सभी का उत्तर बता दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो डू आप डायरेक्टर यानी फाइव पूछा गया है। तो डू आप डायरेक्टर क्या करना है आपको बहुत अच्छे से इसको बना कर लिख लेना है, मैं वीडियो के अंत में बना कर लाया हूँ तो आपको दे दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वीडियो के अंत में डू आप डायरेक्टर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन डी आ गया, सेक्शन डी में नौ नंबर है, नौ नंबर में आपको क्या करना है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में यहाँ पे आपको डी नंबर आपको राइट आंसर लिख लेना है। इसके बाद दो नंबर पे देख सकते हो, दो नंबर पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तीन नंबर, तीन नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, तो अगला आपको ए नंबर हो जाएगा चौथा का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करना है लिख लेना है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए लगा लेना इसमें का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दस आ गया, दस में आपको यहाँ पे रीड द स्टार्टर करेक्टली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बोलो, आपको इसको पढ़ के और इसका उत्तर लिखना है। तो बहुत अच्छे से मैं वीडियो के अंत में दे ही दूंगा, अन्यथा यहाँ पर भी दे सकता हूँ। चलिए मैं एक टिक लगा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको दो नंबर है, दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो का भी बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तीन नंबर आपके सामने है, तीन का भी मैं राइट आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको बहुत अच्छे से, तीन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी नहीं डी, सी नहीं होगा बी होगा विद्यार्थी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बी में है रीड द आप यहाँ क्या करना है इसको कविता को आंसर इन क्वेश्चन, यहाँ पे एक कविता दिया गया है, इस कविता को पढ़ो और इसका उत्तर दो को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्रमांक एक है, आपको यहाँ पे पहले का राइट आंसर आपको लिखना है, तो ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दो नंबर है, दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद तीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस तरीके से ये भी हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो ग्यारह नंबर आपके सामने रहा, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तीस वर्ड यानी सिक्स से आपको छः को लिखना है और तीस वर्ड में लिखना है, ओनली सिक्स से लिखना है, बारह अंक का मिलेगा, दो दो अंक की रहने वाला है, और एक दो तीन चार पाँच छः को लिखना है, एक को मानना है बोली मतलब नहीं लिखना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बारह नंबर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तीस वर्ड ओनली टू, तो मतलब दो को लिखना है, तो आप नीचे है दो इसको भी लिख सकते हो, एक ऊपर दिया गया था जो मर्जी उसको लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको तेरह नंबर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट तीस वर्ड ओनली टू लिखा है, तो यहाँ पर आपको तीन आपको टू टू लिखना है, तो मतलब एक दो लिखना है और एक को नहीं लिखना है, चार नंबर यहाँ से मिलेगा। चौदह नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, चौदह नंबर सेम है, दो में से एक लिखना है, तीन अंक होने वाला है। पंद्रह नंबर भी सेम है, आपको दो में से एक लिखना है लेकिन पचहत्तर वर्ड में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे देख सकते हो सोलह नंबर, सोलह नंबर तीन तीन अंक के सभी प्रश्न होने वाला है, तो बहुत अच्छे से लिखने वाला विद्यार्थी। चलिए मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ। तो कक्षा दस अंग्रेजी का है, ये आपको लगा लेना है उत्तर, मैं यहाँ पे टिक लगाया था एक का और दो का। इसके बाद यहाँ पर नोट बनाना था, नोट आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रहा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी आप स्क्रीन शॉट ले लेना, मैं छोटा कर देता हूँ, ये रहा। इसके बाद यहाँ पे ये रहा अगला क्वेश्चन आपको सामने जो एप्लीकेशन था, तो एप्लीकेशन भी लिख लेना। इसके बाद ये आपको क्वेश्चन क्रमांक चार था जो अथवा वाला था, तो जो मर्जी उसको लिख लेना, मैं दोनों को दे दिया। इसके बाद चित्र देख कर लिखना था, तो चित्र वाला ये लिख लेना, बहुत तो अच्छे से मैंने बोला था। इसके बाद आपके सामने ये रहा हुनर ऑफ साइन निबंध जो था, तो इसको भी लिख लेना स्क्रीन शॉट लेकर। और सेक्शन सी में जो कि आपको ये पूछा गया था, मैं इसको टिक लगा दिया था। इसके बाद यहाँ पे आठ नंबर देख सकते हो, आठ में भी आपको पूरा लिख लेना इसको। इसके बाद नौ नंबर आप देख सकते हो विद्यार्थियों। इसके बाद दस नंबर, तो मैंने पूरा बता दिया विद्यार्थियों दस तक, बाकी जो
क्वेश्चन आंसर है तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन हो जाओ, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।